यह पूरी पिन कैसे काम करेगी, हम लोग कैसे समझ सकते हैं बिना आईसी के डाटा शीट का, आप लोगों को इस वीडियो में पूरा डिटेल मिलेगा। यह वीडियो लंबा बन सकता है और आप लोगों को पूरा देखने को मिलेगा। यह वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा जरूर। अगर आप लोग यह वीडियो मिस कर देंगे, कोई भी आईसी होगा उसे सही से जान नहीं पाएंगे। इसलिए इस वीडियो के आप लोग लास्ट तक बने रहिए, किस हिसाब से काम करता है आप लोगों को पता चलेगा। अगर आप लोग यह वीडियो देख लेंगे तो कोई भी डीसी टू डीसी आईसी होगी उसे आप लोग आराम से समझ जाएंगे। जो भी वोल्टेज बनने वाला होता है किस हिसाब से बनता है, स्टैंड बाई में कौन सा वोल्टेज बनेगा और स्टैंड बाई ऑन होने के बाद कौन सा वोल्टेज बनेगा, इस हिसाब से आईसी काम करती है। दो अनेबल पिन है, एक अनेबल वन है और दूसरा जो है अनेबल टू है। अगर इसमें दो अनेबल पिन है, अनेबल जितनी पिन होगी उस हिसाब से जितनी वोल्टेज आउट में बनने वाली होगी उसी हिसाब से बनेंगी। इसलिए आप लोगों को पहले समझना होगा स्टैंड बाई में कौन सा वोल्टेज बनेगा और स्टैंड बाई ऑन होने के बाद कौन सा वोल्टेज बनेगा। एक अनेबल वन है और अनेबल टू है। अनेबल वन ऑन होने पर कौन सी पहले वोल्टेज बनेगी, अनेबल टू ऑन होने पर कौन सी पहले वोल्टेज बनेगी, यानी स्टैंड बाई में जब फर्स्ट वोल्टेज बनेगी इस आईसी से कौन कौन सी बन सकती है, एक एक पिन का डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयर में आज बताएंगे दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा जो डीसी टू डीसी आईसी लेना होता है, सेलेक्ट करना होता है, उसको हम लोग कैसे ले सकते हैं। अगर आप लोग यह जानकारी प्राप्त करेंगे तो इससे क्या होगा, कोई भी डीसी टू डीसी आईसी होगी आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बिना आईसी के डाटा शीट का आप लोग रिपेयरिंग कर पाएंगे। यह जो वीडियो है अगर आप लोग यह वीडियो देखेंगे तभी आप जान पाएंगे, क्योंकि कोई भी अगर किस हिसाब से बोर्ड में किस हिसाब से लगाया जाता है, अगर आप लोग यह जानेंगे किस हिसाब से कितना वोल्टेज बनना चाहिए, किस हिसाब से होगी आईसी सेलेक्ट करना समझ जाएंगे, आराम से बिना आईसी के डाटा शीट का रिपेयर कर लेंगे। अगर कोई भी डीसी टू डीसी आईसी हमको लेना है, नॉर्मल टीवी हो चाहे स्मार्ट टीवी हो चाहे 4K टीवी हो, चाहे टिकोन बोर्ड लगा हो, सोर्स पीसीबी लगा हो, पहले आप लोग थोड़ा सा यह देख लीजिए। एक उदाहरण से, कोई भी आईसी नंबर से मतलब नहीं होगा, अगर इस प्रकार से सर्किट डायग्राम है तो कैसे हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, पहले आप लोग यह थोड़ा सा वीडियो देखिए, उसके बाद आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताते हैं किस हिसाब से हम लोग आईसी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या हमको देखना होता है, कैसे क्या लेना होता है, टिकोन बोर्ड होगा तब कैसे लेंगे, सोर्स पीसीबी लगा होगा तब कैसे लेंगे, पैनल इंच के हिसाब से लेना होगा, डीसी टू डीसी आईसी किस हिसाब से लेना होगा, पहले यह देखिए उसके बाद आप लोगों को बताते हैं किस हिसाब से हम लोग आईसी सेलेक्ट कर सकते हैं। जो डीसी टू डीसी आईसी अगर हमको लेना है किसी भी पैनल में, तो किस हिसाब से हमको डीसी टू डीसी आईसी लेना होगा, किस हिसाब से जो वोल्टेज बनाना होगा कैसे बनाना होगा, देखिए इस तरीके से डीसी टू डीसी आईसी हो सकती है। जो वोल्टेज होगी किस हिसाब से बनेगी, एक उदाहरण से मानिए जो एबीडीडी वोल्टेज होगा 18 वोल्ट 1.3 एम्पियर हो सकता है, जो बीजीएच वोल्टेज होगा 32 वोल्ट 50 मिली एम्पियर हो सकता है, बीजीएल जो वोल्टेज होगा -5 वोल्ट और 50 मिली एम्पियर हो सकता है, जो वीडीडी वोल्टेज होगा 3.3 वोल्ट 2.3 एम्पियर के लगभग बन सकता है। अगर इस तरीके से इस प्रकार से अगर ये आईसी है तो हम लोग कैसे जाने जो एक एक पिन है, पूरी पिन की जानकारी कैसे पता करें, कौन अनेबल पिन है, किससे वीजीएच बनेगा, अगर इस तरीके से इस आईसी को हम लोग कैसे जाने, या हो सकता है इसी आईसी पर हम लोग इस तरीके से भी वोल्टेज ले सकते हैं। एबीडीडी वोल्टेज होगा 15 वोल्ट होगा और जो इसमें एम्पियर होगा 1.5 एम्पियर के लगभग हो सकता है, और जो वीजीएच वोल्टेज होगा 26 वोल्ट के लगभग हो सकता है जिसमें 50 मिली एम्पियर होगा, और जो बीजीएल वोल्टेज होगा -5 वोल्ट हो सकता है इसमें भी 50 मिली एम्पियर तक हो सकता है, और जो वीडीडी वोल्टेज होगा 3.3 वोल्ट 2.3 एम्पियर के लगभग बनाया जा सकता है, यानी सेम आईसी है। इस प्रकार से ये आईसी है, उसी प्रकार से ये भी आईसी है, एक ही आईसी से अलग अलग वोल्टेज कैसे ले सकते हैं, और देखिए एक ही आईसी पर आधारित है, जो आईसी है आईसी सेम है, इस प्रकार से भी है, इस प्रकार से भी है, इस प्रकार से भी है, जो आईसी है सेम आईसी।
आईसी है, लेकिन अलग अलग आउटपुट में वोल्टेज कैसे बनाया जाएगा। अगर इस प्रकार से डीसी टू डीसी आईसी है, फर्स्ट वोल्टेज कौन बनेगा, यानी ये सब जो वोल्टेज है कैसे काम करेगा। एक ही आईसी से हम लोग अलग अलग एम्पियर और वोल्टेज भी ले सकते हैं, यह सब कैसे ले सकते हैं। तो आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लोग इसी बात पर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये जो चैनल है इस चैनल से आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो भी फ्री में। जो नॉलेज आप लोगों को पैसे में कहीं नहीं मिलेगा, इस चैनल में फ्री में मिलेगा। ये सब नॉलेज आप लोग आराम से ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी को दबाना होगा। बेल आइकन घंटी दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, जिससे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होगा तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप लोग सबसे पहले देख पाएंगे। कोई भी डीसी टू डीसी आईसी होती है उसके अंदर बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर दोनों होता है। अगर बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर दोनों है, स्टैंड बाई में कौन सा ऑन होगा, स्टैंड बाई ऑन होने पर कौन सा ऑन होगा। इसमें दो कन्वर्टर है, एक बक कन्वर्टर है और दूसरा बूस्ट कन्वर्टर है, तो दोनों ऑन एक साथ नहीं होगा। जब बक कन्वर्टर ऑन होगा तो बूस्ट कन्वर्टर ऑन नहीं होगा, बूस्ट कन्वर्टर ऑन होगा तो दोनों एक साथ ऑन रहेगा। हिसाब से डीसी टू डीसी आईसी काम करती है। अगर बक कन्वर्टर है और बूस्ट कन्वर्टर है तो डीसी टू डीसी आईसी एक साथ सभी वोल्टेज नहीं बनाती है। हमको देखना होगा किस हिसाब से यहाँ पर अनेबल है, कितनी अनेबल है, उस हिसाब से जितनी वोल्टेज बननी होगी स्टैंड बाय में वह बनेगा। उसके बाद वही वोल्टेज जो स्टैंड बाय में होगा वो भी बनता रहेगा और स्टैंड बाय ऑन होने के बाद भी सारा वोल्टेज बनेगा। तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पहले बताते हैं जो वोल्टेज बन रही है किस हिसाब से बन रही है, उसके बाद आप लोगों को अनेबल और अनेबल टू बताएंगे। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये कैसे काम करता है। जो वीसीसी सप्लाई है, वीसीसी सप्लाई यहाँ से 12 वोल्ट है, तो यह जो पैनल होगी 12 वोल्ट का पैनल होगा। जो पैनल होता है 3.3 वोल्ट का पैनल होता है, 5 वोल्ट का पैनल होता है, 12 वोल्ट का पैनल होता है, तीन प्रकार की पैनल होती है। अगर 12 वोल्ट की पैनल है तभी यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहा है। इसी 12 वोल्ट से एबीडीडी वोल्टेज बनाया जाएगा, जिसमें एक क्वाइल लगाया गया है और एक डायड है। फिल्ट्रेशन के लिए कैपेसिटर लगाया गया है, उसके बाद एबीडीडी वोल्टेज ले लिया जा रहा है। जो वीसीसी सप्लाई से पहले, क्वाइल से पहले अगर कोई पिन आईसी से कनेक्ट है तो ये याद रखिए, अगर इससे कोई भी कनेक्ट है तो ये बात याद रखिए, इस एबीडीडी वोल्टेज का कितने किलोहर्ट्ज़ पर स्विचिंग करना है यही निर्धारित करेगा। आप लोग लास्ट तक बने रहिए, आप लोगों का पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एक उदाहरण से मानिए, 500 किलोहर्ट्ज़ से 750 किलोहर्ट्ज़ के अंदर अगर स्विचिंग हमको कराना है इस आईसी से, क्वाइल होगा और वीसीसी सप्लाई होगा, उसके बीच में हम आईसी से कनेक्ट करा देंगे तो क्या होगा, आईसी जी से हिसाब से चाहेगी स्विचिंग करना है किलोहर्ट्ज़ से, 500 किलोहर्ट्ज़ से 750 किलोहर्ट्ज़ तक जितना ये काम करना है उस हिसाब से यहाँ पर वोल्टेज बनता जाएगा। जो क्वाइल लिया जाता है, जो क्वाइल होती है, जितनी मोटी क्वाइल होगी उतना ज्यादा एम्पियर यहाँ पर लिया जा सकता है, जितनी पतली क्वाइल होगी उतनी ज्यादा वोल्टेज बनाने का काम करेगा। जो क्वाइल होती है, अगर पतला क्वाइल लगा होगा तो वह बूस्ट का क्वाइल होगा, मोटा क्वाइल लगा होगा तो वह बक कन्वर्टर का होगा, क्योंकि जो पतला क्वाइल होती है वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है और एम्पियर को रोकने का काम करता है, और जो मोटी क्वाइल होती है वह वोल्टेज को रोकने का काम करता है, एम्पियर को बढ़ाने का काम करता है। एक उदाहरण से मानिए, अगर यहाँ 1.5 एम्पियर अगर लेना है तो उस हिसाब से यह जो क्वाइल होगा, क्वाइल थोड़ा सा मोटा हो सकता है, यानी उस हिसाब से जिस हिसाब से वोल्टेज बनना है उस हिसाब से ये क्वाइल मैनेज कर लिया जाएगा। जिस हिसाब से यहाँ पर स्विचिंग होना होगा उस हिसाब से यहाँ से 500 किलोहर्ट्ज़ से 750 किलोहर्ट्ज़ तक ये रोकने का काम करेगा। इस आईसी के अंदर मॉस्फेट इनबिल्ट होता है, यानी यहाँ से स्विचिंग करेगा, यहाँ पर एबीडीडी वोल्टेज बनाया जाएगा। जब तक ये आईसी
स्विचिंग नहीं करेगी, 12 वोल्ट यहाँ पर VCC सप्लाई होगा, वही 12 वोल्ट यहाँ पर मिलेगा। जब तक ये IC ऑन नहीं होगी तब तक यहाँ पर ये 12 वोल्ट मिलेगा। जब ये IC ऑन हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर 15 वोल्ट के लगभग बन जाएगा। IC बूस्टिंग करने लगेगा, जब यहाँ से स्विचिंग करने लगेगा तो जो वोल्टेज होगा यहाँ बनने लगेगा। कोई भी IC होती है अपने सुरक्षा के लिए फीडबैक लगाती है। देखिए यहाँ पर एक फीडबैक लगाया गया है जो IC से कनेक्ट है। यह क्या करेगा, जिस हिसाब से यहाँ पर वोल्टेज बनाना है उस हिसाब से IC देखती रहेगी कि आउट में जो वोल्टेज बनना है बन रही है कि नहीं, उस हिसाब से ये IC स्विचिंग करती रहेगी। उस हिसाब से ये जो पिन होगा इसको 500 किलोहर्ट्ज से 750 किलोहर्ट्ज के अंदर में IC की जो एवरेज होगी, ये बात याद रखिए, कोई भी अगर IC है, अगर क्वायल और VCC सप्लाई के बीच में अगर IC से कनेक्ट है तो लगभग एक उदाहरण से मान के चलिए कि वह 500 किलोहर्ट्ज से 750 किलोहर्ट्ज IC पर निर्भर करेगा या कितने किलोहर्ट्ज पर रोकेगा, उस हिसाब से यहाँ पर स्विचिंग करता रहेगा। उस हिसाब से ये जो फीडबैक लगा होगा आराम से IC देखती रहेगी जो ABD में वोल्टेज बनना है बन रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पर जो वोल्टेज फिक्स होगा, उदाहरण पर देखिए जो यहाँ पर वोल्टेज फिक्स होगा अगर बनेगा तो वही वोल्टेज यहाँ पर फीडबैक में बनेगा, तो IC समझ जाएगी कि हाँ जो आउट में वोल्टेज बनना है बन रहा है। मान लीजिए उदाहरण से 15 वोल्ट है, उस हिसाब से यहाँ पर रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया होता है। अगर एक उदाहरण से मानिए यहाँ पर 1 वोल्ट बनना है, जिस समय यहाँ 15 वोल्ट बनेगा तो यहाँ 1 वोल्ट बनेगा, तो IC समझ जाएगी कि यहाँ जो वोल्टेज बनना है बन रही है। अगर एक उदाहरण से मानिए यहाँ 14 वोल्ट बनेगा, अगर यहाँ 14 वोल्ट बनता है तो फीडबैक में भी वोल्टेज कम होगा, तो क्या होगा, IC समझ जाएगी कि आउटपुट में कुछ न कुछ दिक्कत है। बूस्टिंग सर्किट कैसे काम करता है इसका पूरा डिटेल वीडियो बन चुका है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह वीडियो आप लोग देखने के बाद यह वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। जो जो बताएंगे उस हिसाब से आपको वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता जाऊंगा, नहीं तो यह वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखिए ABD वोल्टेज यहाँ बन चुका है। अब देखिए अगर VGH वोल्टेज बनाना है इस सर्किट के हिसाब से कैसे बनेगा, यहाँ पर ये जो है पंप सर्किट लगा है। देखिए VGH वोल्टेज बनाने के लिए यहाँ पर पंप सर्किट का उपयोग किया गया है। यहाँ पर इस IC से जो कनेक्ट है चार्ज पंप के द्वारा यहाँ बनाया जाता है। देखिए जो ABD वोल्टेज होगा या ABD वोल्टेज एक डायोड लगा दिया जाएगा, जिससे क्या होगा ABD वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा। तो ये डायोड लगाने से क्या फायदा होगा, ABD जो वोल्टेज होगा इस डायोड से पास हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस से लगा है, तो अगर ABD वोल्टेज यहाँ चला जाएगा तो यहाँ से ये पास नहीं होगा, इसीलिए यह डायोड लगाया जाएगा। ये जो डायोड होगा यहाँ पर ABD वोल्टेज पहुंचा देगा और उस हिसाब से इस IC के द्वारा यहाँ स्विचिंग कराया जाएगा। IC के द्वारा यहाँ से ऑन ऑफ ऑन ऑफ कराया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इस डायोड से DC बनाकर यहाँ पर फिल्ट्रेशन कर लिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर VGH वोल्टेज बन जाएगा। इसका भी पूरा डिटेल वीडियो बन चुका है, प्रैक्टिकली और थ्योरी दोनों वीडियो बन चुका है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वीडियो देखने के बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप ये कैसे काम करता है, पूरा डिटेल इसका वीडियो बन चुका है। देखिए ये जो VDD वोल्टेज होता है, जो 3.3 वोल्ट ये अलग अलग नाम से भी जाना जा सकता है, ये जो होगा यह बक कन्वर्टर सर्किट के द्वारा बनाया जाएगा। ये जो सर्किट होती है किस हिसाब से काम करती है, देखिए इस सर्किट में क्या लगा है, एक डायोड लगा है, एक क्वाइल लगा है, और इसके लिए क्या है फीडबैक लिया गया है, और यहाँ पर फिल्ट्रेशन करके यहाँ 3.3 वोल्ट VDD सप्लाई लिया जा रहा है। तो उस केस में क्या होगा, ये जो इसमें डायोड लगा होगा ये डायोड इस IC को ठंडा करने के लिए लगा होगा। ये जो डायोड होगा आप लोग देखेंगे जो इसका एनोड होगा ग्राउंड से कनेक्ट होगा, और जो इसका कैथोड होगा ये IC से कनेक्ट होगा। डायोड ये IC को ठंडा करने का काम करता है, और यहाँ से फीडबैक लेकर जो वोल्टेज यहाँ बनना है इस हिसाब से यह IC देख लेगी वोल्टेज बनना है बन रहा है कि नहीं। इसका भी पूरा डिटेल वीडियो बन चुका है। बक कन्वर्टर होता है ये कैसे काम करता है ये भी आपके स्क्रीन पर वीडियो दिखाई दे रहा है, इसका भी पूरा डिटेल वीडियो बन चुका है। अगर आप लोग यह वीडियो नहीं देखे हैं तो यह वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। देखिए ये जो VGL वोल्टेज है यह कैसे बनेगा, इसमें भी चार्ज पंप का उपयोग किया जाएगा, जो बक कन्वर्टर के द्वारा यह बनाया जाएगा। यानी इस DC-to-DC IC में दो बक कन्वर्टर द्वारा वोल्टेज बनाया जा रहा है, जिसमें एक VGL वोल्टेज है, जिसमें एक VDD वोल्टेज है, और इसी में दो बूस्ट सर्किट बनाया जा रहा है, जिसमें एक ABD है और जो दूसरा है ये VGH है। देखिए जो VGL वोल्टेज होगा इसमें भी क्या किया जाएगा, यहाँ पर दो डायोड लगा दिया जाएगा, जो एक डायोड लगा होगा ये ग्राउंड से कनेक्ट होगा, और जो दूसरा डायोड होगा कैथोड से होते हुए एनोड्स के द्वारा यह
वोल्टेज बना लिया जाएगा। इसका भी पूरा डिटेल वीडियो बन चुका है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह वीडियो देखने के बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप बीजीएल वोल्टेज कैसे बनता है इसका भी पूरा डिटेल वीडियो बन चुका है कि स्टेप बाय स्टेप यह कैसे काम करता है। यह वीडियो देखने के बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कर लीजिएगा। अब देखिए अनेबल वन और अनेबल टू कैसे काम करेगा। देखिए आईसी के हिसाब से हो सकता है, जो भी आईसी होती है जिसमें बक कन्वर्टर होता है और बूस्ट कन्वर्टर होता है, डीसी टू डीसी आईसी होती है फर्स्ट जो वोल्टेज बनाने का काम करती है, अगर उसमें बक कन्वर्टर इनबिल्ट है तो फर्स्ट अनेबल जो होगा बक कन्वर्टर के लिए होगा। तो देखिए जो बक कन्वर्टर सर्किट है एक बीजीएल का है और एक वीडीडी वोल्टेज का है। तो जो बक कन्वर्टर स्टार्ट होगा एक साथ बीजीएल वोल्टेज बनेगा और एक साथ ये वीडीडी वोल्टेज बनेगा। यह जरूरी नहीं है कि पहले एवीडीडी बनेगा उसके बाद बीजीएच बनेगा उसके बाद बीजीएल बनेगा, यह आप लोग जान लीजिए आईसी के हिसाब से होता है। आईसी के इनबिल्ट अगर अनेबल यहाँ तीन हो सकता है, अनेबल वन हो सकता है, यानी आईसी के हिसाब से जिस हिसाब से वोल्टेज बनना होगा, जो बक कन्वर्टर होगा इस आईसी के हिसाब से क्या होगा, बीजीएल वोल्टेज बनेगा पहले वीडीडी वोल्टेज बनेगा, यानी दो वोल्टेज बन जाएगा। फर्स्ट जो वोल्टेज होगा बक कन्वर्टर के द्वारा बनेगा और जो अनेबल टू होगा यह अनेबल टू के द्वारा जो बूस्ट सर्किट होगा जिसमें एवीडीडी वोल्टेज होगा और बीजीएच वोल्टेज होगा। एवीडीडी का, बीजीएच का, बीजीएल का, वीडीडी का, इसका पूरा डिटेल वीडियो बन चुका है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा।